सुभद्र, मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़े की टीम आज पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी, यानी कि छोटी काशी जिसे कहा जाता है, गोला गोकर्णनाथ की जो विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि यहाँ पर अगर कहा जाए तो 8 विधानसभा सीट है और इसमें बीजेपी का कब्जा यहाँ पर है। अब वर्चस्व किस तरह से आगे कायम रहेगा, क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे आमजन क्या वंचित है, क्या उसका लाभ मिल पा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं और कई बड़ी सौगातें यहाँ पर दी गई है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। और ऐसे में जो समीकरण है वो हमेशा से बनता बिगड़ता हुआ नजर आया। 2017 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर पाई, तो 2017 के बाद जो यहाँ पर वर्चस्व कायम रहा वो बीजेपी का रहा। अब इन सबके बीच भी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद है उनसे चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी, और उनसे जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उठाकर आम जनता अब अगले चरण में यहाँ पर मतदान देगी। धन्यवाद ऋतु। इस समय गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अरविंद गिरी यहां से विधायक हैं और बंपर मतों से जीते थे। इस बार भी उनका वर्चस्व कायम रहेगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों से जो मुलाकात हुई, बेहतर छवि, साफ सुथरी छवि के नेता हैं और लोगों को मिलने के लिए सहज उपलब्ध रहते हैं। जी क्या कहेंगे मान्यवर विधायक जी के बारे में? विधायक जी बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, अच्छा काम किया है, तो जीत हमारे हिसाब से उन्हीं की होनी चाहिए। अच्छा। और शायद वो होंगे भी इस बार। सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार मोदी जी की बढ़िया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बढ़िया है, उन्होंने काम अच्छा किया है, सरकार अच्छी चला रहे हैं, उनके काम अच्छे हैं, हमारा तो मानना यही है। चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में और लोगों से बात करेंगे। जी अंकल जी क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल है? मामला बीजेपी आ गया है। कैसे कैसे? हर कार्य उनका बढ़िया है। अच्छा बताओ सही क्या कार्य है? सही क्या, सब कुछ मिल रहा है लोगों को, और इससे ज्यादा क्या है? क्या क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है लोगों को, और क्या चाहिए? क्या ठीक कह रहे हैं बीजेपी? ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ओके सही है, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी भैया भाजपा कल जीतेगी। अच्छा क्यों? अच्छा काम किया है बाबा जी ने। क्या बहुत अच्छा काम किया हम लोगों को सभी यहाँ का जो है हरिजन और वो सब टोटल बीजेपी का ही है। अच्छा एक बार बताइए यहाँ यहाँ लोकल मुद्दे क्या है, मतलब स्थानीय मुद्दा? अगर आप वोट देने जाओगे तो कुछ दिमाग में तो होगा? हमारा तो बीजेपी का होगा, उसी से खुश है। केवल फूल देखेंगे लगा देंगे? भाई फूल ही का है, बढ़िया काम है। एक मुद्दा जो है ये बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल समी खान। लोकल मुद्दे सर बहुत, जैसे कि आवारा पशु, किसान रात भर जाग जाग कर अपनी फसलों को बचाता है, और प्लस मिल का पेमेंट, बोलने तो यार, प्लस मिल का पेमेंट, और यही दो मुद्दे मैडम। अब तो पेमेंट हो रही है ठीक टाइम से? नहीं हो रहा है, पिछले साल का नहीं आ रहा। आप काम क्या करते हो? नहीं पिछले साल का ही नहीं हुआ अभी पेमेंट। खेती वेती करते हैं। अच्छा मतलब प्राइवेट जॉब क्या करते हो? जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी के में। टैक्सेशन का जो ये है, अब जो बजट आया नया, इस बजट में जो टैक्स के जो शेड्यूल बनाए गए हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? इसमें मैं कहना चाहूंगा इसमें व्यापारी को कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा ये हमारे जसवाल जी ने। नहीं आप बताइए, आप क्योंकि आप टेक्निकल उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसीलिए मैंने सवाल भी पूछा। कोई लाभ नहीं मिला व्यापारी को, सिवाय आश्वासन मिला है बस। क्या होना चाहिए था? जैसे कि जो व्यापारी हैं वैसे भी लगभग नोटबंदी टाइम पर वो भी ग्रस्त हुआ है काफी, प्लस लॉकडाउन में काफी व्यापारी तंग हुआ है, उसको लिए मैं जीएसटी में छूट देना चाहिए थोड़ी सी। कुछ छूट नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। बजट आया बजट के बारे में तो लोगों की अपनी राय है, अब क्या सत्यता है ये आप बेहतर समझते हैं। जी भैया क्यों कहना चाह रहे थे? जैसे भैया बोल रहे थे कि वो योग जानवरों के बारे में, पूछिए भैया से क्या जानवर क्या योगी जी ने छोड़ दिए हैं भैया? नहीं मैंने नाम लिया मेरे भाई, ये नहीं कह रहा हूँ आपने नाम लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जानवर क्या योगी जी ने छोड़ दिया क्या? अगर आप दूध दुहेंगे तब जानवर आपका है, दूध देना बंद कर दिया और रोड पे छोड़ दीजिए, योगी जी का हो गया। सही बात है, ये गलत है, जानवर योगी के नहीं है। जब तक दूध देती है ठीक है, तब तक वो हमारी है, और दूध देना बंद कर दिए। अन्य पार्टियाँ भाई साहब, अन्य पार्टियों को बेईमानी करने के लिए नहीं मिला है, कोई चांस नहीं दिया योगी जी ने, और वो एकदम तलवार पे धार लगाए बैठे हुए हैं कि उनको मौका मिले कब लूट कर रख ले। इसलिए केवल वनली योगी जी, वनली कमर, वनली प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। भैया क्या कह रहे हैं?
हमें भाई पता नहीं क्या कहूँ। ये तो ये कह रहे हैं कि इस समय जो सरकार चल रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों ने तलवार में बिल्कुल नहीं हो रहा है, खाली नाम बदलाओ ठीक है, दो चार किलो राशन दे दो आदमी का नपोरा बना लो विधि बात ठीक है, खवाओ। बेरोजगारी चल रही है बता रहे हैं 450 से कहाँ साला 1000 पहुँच गया है, अब रात जितना देर ना उससे ज्यादा तो जानवर साले खा जाए भाई साहब, जानवर जानवर का मुद्दा, युवा परेशान ठीक है, बेरोजगारी इससे ज्यादा है, जीडीपी पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। ठीक है भाई, भाई बात रही बेरोजगारी की, जिसको योग्यता है जिसकी योग्यता है बगैर घूस के बगैर रिश्वत के नौकरियां मिल रही है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, जो स्ट्रगल करेगा सफलता उसी को मिलेगी, ऐसे बेरोजगारी के रोने रोने से कुछ नहीं होगा, खुद काम करना होगा। और योगी जी ने युवा युवा देश का युवा बोल रहा है, जो काम करेगा, देखो काम तो करना पड़ेगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप काहे की कुछ तैयारी कर रहे हो क्या? जी मैं पुलिस की कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी वैकेंसीज निकली हैं, आज ही ऑनलाइन कराना है फॉर्म। जी फॉर्म भरने के लिए आए हो? ये 5 साल का जो कार्यकाल गया योगी जी का, इस पे कोई टिप्पणी? बहुत अच्छा किया, पूरा समर्थन है। एक सन्यासी जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि वो क्या जाने परिवार क्या है। मैं एक बात कहता हूँ कि जिसके जो अपने परिवार के लिए नहीं जोड़ना चाहता है, जो सन्यासी है किसके लिए बनाएगा वो, अपने वो जनता को ही देगा। भगवान बताओ जवाब दो, जेब नहीं है, जेब नहीं है। जांच करवाते हैं, उनका काम है, अखिलेश यादव जी का काम है, पूरा जीवन अपना देश के लिए समर्पित कर दिया। मुझे पूरा समर्थन है योगी जी का, रोजगार चाहिए ठीक है, रोजगार जब होगा आदमी ये जो खाने पीने। इनके सवाल का जवाब दे दो, इनके क्या है तुम्हारा सवाल? भैया अखिलेश के राज में, अखिलेश में भैया जब अखिलेश की सरकार थी तो मैं भी SDM था, भाई साहब तहसीलदार थे, ये कानून को थे, योगी के आने पर सब भैया बदल हो गए, सबको उसने निकाल दिया। ये नहीं कुछ तो उसमें होना क्या है? वही तो, योगी जी ने भैया किया केवल कुछ नहीं किया है। निष्पक्ष भाव से बिल्कुल, आप अगर एक भैया ऐसा कुछ भाव से भी है तो कहते मैंने 1 रुपया दिया है कहीं नौकरी के लिए, उसकी गुलामी करूंगा जिंदगी भर, 1-1 रुपया ने 5-5 लाख 10 लाख। जब वैकेंसी नहीं निकली तो नौकरी का आएगी? नौकरी का आएगी। दूसरी बात, ये जो दंगे होते थे, दादागिरी चलती थी, जब तक योगी जी हैं नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है। आएंगे बाबा, आएंगे बाबा, बाबा जी की सरकार आएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ही जो है जिंदाबाद है, जिंदाबाद बीजेपी ही जीतेगी बाबा, यही है और कौन नहीं है बाबा, ये और कौन हो। लोग देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बहुत सहजता से मैं इस समय छोटा काशी में मौजूद हूँ और यहाँ लोग बोल रहे हैं, युवा बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले 5 साल में कोई घोटाला शायद नहीं हुआ जिस तरह से लोगों के बीच में निकल के आ रही है। जी 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 हाँ भैया बताओ क्या करें। सरकार में पहले यहाँ रिक्शा चलते रहे ठीक है, अब बाबा जी की जब से सरकार आई तब से लोग रिक्शा वाले ऑटो चलावे लगे, टुक टुक बजट तो कहना चाहते हैं, बहुत विकास है, बाबा जी की सरकार आनी चाहिए। तकनीकी रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हम सरकार से राशन नहीं लेते हैं फिर भी वोट बीजेपी को देते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। ये भी अखिलेश की देन है, ऑटो ऑटो की देन अखिलेश की नहीं है, अखिलेश के जमाने में नहीं आया है भैया, भैया जैसा बोल रहे थे वो अभी है तो मोदी योगी पेमेंट, ये मायावती और अखिलेश जी की देन है। अगर 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 इतना ही प्रेम था जनता के प्रति तो कोरोना काल में ये अखिलेश और ये आता 5,000 का हंस के चालान कटवा के आया हूँ, खुशी से देंगे। पहले भैया अभी बोल रहे हैं योगी जी की भाषण दे रहे हैं, एम्बुलेंस 102 किसकी चलाई हुई है? अखिलेश की। पैदा हुआ जो वो योगी जी की कह रहा, देखिए पहले एम्बुलेंस साइकिल निकले। आज जो हम लोग भारत माता के, नहीं इससे पहले क्या एम्बुलेंस नहीं चलती थी? इससे पहले नहीं चलती थी, अखिलेश सरकार से पहले एम्बुलेंस नहीं थी क्या? एम्बुलेंस नहीं थी, किस तरफ 108 थी फिर 102 अस्पताल में थी, हमारे अस्पताल में थी, अखिलेश सरकार से पहले भी एम्बुलेंस क्या 100 नंबर थी? 100 नंबर भी था पहले, 102 था। दरवाजे थाना है, समय आ रहा है, 100 नंबर अखिलेश सरकार से पहले भी चलता था, 102 अखिलेश सरकार से पहले भी चलता था, पहले नहीं रहा है।
कानून व्यवस्था पहले भी चल रही थी, प्रदेश में सारी चीजें थी। लोग अपनी बात कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोग बात करें, कुछ आम लोग हैं और आम लोगों से और बात करेंगे यहाँ पे, स्वाभाविक सी बात है। भैया ये बताओ, सुनो महाराज, चुनाव का दौर चल रहा है, कुछ प्रतिक्रिया दोगे? चुनाव में कोई मुद्दा है? मुद्दा है नहीं का? क्या? ये गन्ना विकास गन्ना का है। अच्छा, कैसे? जैसे गन्ना बकाया किसानों का कहाँ मिल रहा है? अच्छा भैया, जी भैया, अखिलेश साइकिल चलेगी, साइकिल भाजपा सरकार बिल्कुल साइकिल चलेगी, साइकिल 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 भैया साइकिल साइकिल। आम लोग हैं क्या? केला बेच रहे हो? कैसा चल रहा है सब? भैया सही चल रहा है। अच्छा, चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा सही है भैया, सेवा हम कमल का फूल थे। सर बाबा को गौ हत्या लगेगी सर। चुनावी मुद्दा ये है सर कि हमको विकास चाहिए हर हाल में, हम लोगों को नौकरी चाहिए, ऐसे नहीं घूमना है, इन ठेलों पे नहीं लगाना है। ये बाबा पे गौ हत्या लगवाएंगे, इनसे पूछ लीजिए किस मुद्दे पे गौ हत्या लगवाएंगे। भैया बताएं, नल का काम करते हैं। अरे सर ऐसा है, जहाँ देखो तहाँ गाय दर्रा घूम रहे किसान दिन में भी। अरे क्या क्या गाय छोड़ने योगी जी आते हैं? हाँ, अरे नहीं योगी जी आए, लेकिन ये किसान बेचारा दिन में अपना खेत बचाता है, रात में आराम से सोए, लेकिन फिर भी रात में भी खेत बचाता है। ठीक है ठीक है, आप बताओ क्या कह रहे हैं? किसान बहुत परेशान है। हाँ, रात दिन अपना काम करता है, रात में खेत को बचाता है। क्या होना चाहिए? इसकी व्यवस्था होना करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारा पशु है, एक्सीडेंट होते हैं, टकराते हैं, जानवर तारों में कटते हैं। हाँ सदा जी, सत श्री अकाल, क्या हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। आप कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। जोगी जी की सरकार बनेगी, जोगी जी की। क्यों? जोगी जी की बनेगी सरकार। क्यों? बढ़िया सरकार है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल, कोई जहाँ मर्जी घूमे, गुंडागर्दी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ मर्जी रात्रि घूमे। हाँ, और कोई डिमांड, कोई सुधार होना चाहिए। हम बढ़िया विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। बिल्कुल, लोग अपनी बात कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में हम बिल्कुल एक एंट्री पॉइंट पे हैं। इस समय गोला गोकर्णनाथ के यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे, ये बस अड्डा है, ये एंट्री पॉइंट है, और इस एंट्री पॉइंट पे यहाँ आम लोग खड़े होते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये 5 साल की जो सरकार रही, इस पर कोई प्रतिक्रिया करोगे योगी आदित्यनाथ जी की पे? जी उन्होंने काम तो बहुत किए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत उन्होंने नुकसान भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम अच्छे ही उन्होंने किए हैं, कुछ अच्छे भी उन्होंने किए हैं, बहुत सारे काम। अच्छे क्या हुए? जैसे कि उन्होंने हम लोगों को फ्रीडम, महिलाओं के लिए बहुत सारी फ्रीडम दी है, और एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ किया है। थोड़ा बहुत दंगे वगैरह भी करवा दी, वो उन्होंने बहुत गलत किया है। यहाँ जैसे कि यहाँ भी अजमशा टैनी के लिए हुआ था, उन्होंने बहुत दंगे करवाए, इस वजह से उनकी थोड़ी रेपुटेशन बिगड़ गई है। बस हाँ बेटा, ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक तो कह रही है, बट जो है देखो, इसने सब काम नहीं किए हैं। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई लाभ नहीं हुआ है, हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुए हैं। अच्छा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हम लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे जैसे कि एजुकेशन के मामले में हम लोगों को करना चाहिए, और हम लोगों को बताओ बताओ बताओ, जो स्कूल ज्यादा बढ़िया है उनमें फीस बहुत ही ज्यादा है। जैसे इन्हीं का स्कूल है, उसमें बहुत ज्यादा फीस है, कम करनी चाहिए। जो छोटे बच्चे उनके पढ़ने में दिक्कत हो सकती है ना, जो गरीब परिवार से है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 9th में है। कैसे पढ़ते हो? 9th में? 9th में पढ़ते हो? अच्छा स्कूल में पढ़ने जाते हो, कौन सा स्कूल है? पब्लिक इंटर कॉलेज। अच्छा फीस जा रही है? हाँ। कोरोना में पढ़े? नहीं पढ़े। ऑनलाइन पढ़े होगे? नहीं। सुधार होना चाहिए। और जी भैया, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव चल रहा है इस समय, क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा क्या था? जो सरकार चल रही सबसे अच्छी सरकार है। कैसे? जैसे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, धारा 370 हटाई है, राम मंदिर निर्माण बताया था वो करवाया है, रोजगार दिए हैं, क्या नहीं किया है भाजपा ने, बहुत सारे काम किए हैं। जी भैया, आप इनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं। बताओ तो क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, और बहुत से मुद्दे हैं किसानों को, जैसे यूरिया नहीं मिलती है, डीएपी की शॉर्टेज है, और ऐसे डीजल महंगा है, कहाँ से किसानी कैसे होगी, बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा इस पर सब्सिडी देने की जरूरत है? नहीं सब्सिडी ना आवे, कम से कम सस्ती तो करे। जो डीएपी थी 400-500 की होती थी, इस टाइम 1200-1300 रुपए की है। बिल्कुल, किसान को थोड़ी सी राहत कि
की आवश्यकता है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डीएपी और बाकी और तमाम तरह के जो रेट्स हैं, जो डीजल के दाम हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ अंकुश सरकार को लगाने के प्रयास करने चाहिए। जी भैया, चुनाव में मुद्दा विनय तिवारी, गोला का मुद्दा कुछ है? गोला के मुद्दे बहुत हैं भाई साहब, इससे जी बताइए। ये हम लोग चाहते हैं कि फिर से समाजवादी पार्टी सरकार आए, क्योंकि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार नहीं किया कोई भी। अच्छा। हाँ, ड्रॉप लग गई तुम्हारे? कोई जॉब नहीं लग गई सर, कोरोना की ड्रॉप लग गई जी। दोनों कैसे लग गई, सरकारी थी प्राइवेट? सरकारी। अच्छा। बिना पैसे के लगी ना? कोरोना में ठीक ठाक रहे? हाँ ठीक ठाक रहे। परिवार में सब ठीक है? अपनी बातें लोग कह रहे हैं, लोगों का बिल्कुल सवाल है तो सत्ता से बिल्कुल सवाल पूछे जाने लाजमी है। कुछ और लोग भी हैं, ये लेमैन है, हम आम लोगों से राय जान रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार चल रही है, इस सरकार पे कोई प्रतिक्रिया करेंगे? नहीं, ये सरकार बहुत अच्छी है। हाँ, कैसे? न गुंडागर्दी है, न कुछ है, आराम से जाओ आओ, न चोर मिल रहे, न कोई। इस सरकार से अच्छी कोई नहीं होना चाहिए। 23 तारीख को वोट जरूर देना। बिल्कुल देंगे। हाँ जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं इनसे? बताओ ना भैया, बता दो, मोदी योगी बात और कुछ नहीं, ओनली मोदी योगी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम यही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, सब दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है। दिक्कत चोरी चकारी बंद है? कुछ नहीं, गुंडागर्दी एकदम शांत है। गोला में बहुत गुंडागर्दी होती थी, सफाई इतना गुंडागर्दी करते थे, अब बिल्कुल शांत है। अब सब सही है? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी का जलवा जला ले? मोदी योगी बस और कोई ना है, प्रत्याशी कोई नहीं देख रहा, बस मोदी योगी। बिल्कुल स्वाभाविक है, हम लोगों ने तकरीबन 20 से ज्यादा जिलों को कवर किया है। ये सही बात है कि प्रत्याशी पे इतना जोर नहीं है जितना जोर नेताओं पे है, मोदी और योगी। लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी क्या कहेंगे? यस, ये जो दौर है चुनाव का, इसमें मुद्दा है कोई? यहाँ नहीं सर, बीजेपी जीतेगी, कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, क्यों? एक तरफा चुनाव है सर, यहाँ विनय तिवारी कुछ तो कराते नहीं है और ना गिरी जी कराते हैं, सिर्फ पार्टी की जोर पे जीतेगा, चेहरा के जोर पे नहीं जीतेगा सर। कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे बेटा। स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कि हमसे ना पूछे, राजनीति से अपने आप को दूर रखना है। भैया एक मिनट, चुनाव चल रहा है, कोई प्रतिक्रिया देंगे? चुनाव में मुद्दा कोई यहाँ है? नहीं, उन्हें वोट ना। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 23 तारीख को यहाँ क्या मतदान होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है। और ऋतु, यहाँ की जो स्थिति है, लोगों से जो बात की, बात करने के बाद कहीं ना कहीं एक महसूस हुआ, एक एहसास हुआ कि लोग अभी भी योगी और मोदी के नाम पे बात कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई, निचोड़ निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी की ये पारंपरिक सीट मानी जा रही है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिटारा क्या खुलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि गोला में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जलवा कायम दिख रहा है। बिल्कुल, बीजेपी का वर्चस्व यहाँ पर कायम है और सिर्फ मोदी और योगी की जो चेहरे पे यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है, ये चयन सिर्फ यही नहीं, शायद पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और ऐसे में हर किसी की मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है, कोई अगर बीजेपी सपोर्टर है तो कोई समाजवादी पार्टी सपोर्टर है। लेकिन ये चीज साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अगर हर जिले में जाकर देखा जाए, जो सीधी कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की देखी जा रही है। बेशक से 2007 में समाजवादी पार्टी आई, 2017 में यहाँ पर बीजेपी की एंट्री हुई, लेकिन इस बीच जो तमाम मुद्दे हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े और आम जन से जुड़े हुए हैं, उन्हें आम जनता उठाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में उन मुद्दों को लेकर भी, क्योंकि लखीमपुर खीरी ये पुराना हैदराबाद के नाम से भी मशहूर है, और ऐसे में किसान आंदोलन, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर कई जो समीकरण है राजकुमार जी, वो बिगाड़ते हुए साफ तौर पे नजर आते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में कौन सी घटना कब कहाँ किस तरीके से क्या रूप लेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव एक पिटारा है, पिटारा क्या खुलता है। हालांकि सारे नेता एक दूसरे पर पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन चौथे चरण में जो यहाँ चुनाव होगा, उस चुनाव में किस तरीके के हालात और परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, आम आदमी बोल रहा है और आम आदमी के बीच में मुद्दा अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर है। कैमरा पर्सन अमित और मेरी सहयोगी ऋतु के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गोला।